बहुत धन्यवाद। आप लोग पिछले विधानसभा के चुनाव में भारी मेहनत करके प्रचंड मतों से 25% से ज्यादा मतों से कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को जीता है और आप लोगों का आशीर्वाद का ही परिणाम है कि आज हमारे देश के यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ मंत्री के रूप में आपके इस क्षेत्र के विधायक को दायित्व सौंपा है और एक सम्मान दिया है। वास्तव में ये कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता का ये सम्मान है, आप सभी लोगों का सम्मान है और जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे वरिष्ठों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपके इस विधायक पर किया है, मैं पूरा पूरा प्रयास करूंगा कि उनके विश्वास में खरा उतरूं और आप लोगों का सिर कभी नीचा नहीं हो, इस बात का हमारा पूरा पूरा प्रयास होगा। आज इस सरकार को बने हुए मुश्किल से 2.5 महीना हो रहे हैं, लेकिन मैं गौरव के साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस 2.5 महीने की सरकार ने चुनाव के समय में जो भी वादा छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से किए हैं, मोदी की गारंटी में जो भी संकल्प किए हैं उसको पूरा करने की दिशा में हमारी ये सरकार चल पड़ी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, वो पहला काम 5 साल जो लोग गरीब लोग जिनको पक्का का मकान नहीं मिला, प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए, उनका पक्का का मकान देने का काम करेगा। और मुझे बताते हुए गौरव भी हो रहा है कि 13 दिसंबर को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बुलवाकर हम लोग ये निर्णय ले लिए कि 18 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनेगा। हम लोग इसके लिए पूरी राशि की व्यवस्था कर चुके हैं और बहुत जल्दी 18 लाख हमारे छत्तीसगढ़ के गरीब लोग जिनका मकान नहीं बना, किसी का मकान अधूरा का अधूरा रह गया, ऐसे सभी मकान ग्रामीण क्षेत्र के बनेंगे, अधूरा है वो भी पूरा होगा। 2 साल का धान का बोनस देने का भी वादा था जो 15 साल हमारी सरकार थी तो नहीं दे पाए थे और 25 दिसंबर का दिन जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है, उस दिन 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया उनके खातों में भेजने का काम, 2 साल का बकाया बोनस देने का काम हम लोग कर चुके हैं। हम लोग का ये वादा था, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी वादा था कि पीएससी में जो घोटाला हुआ है, हमारे बेटा बेटियों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, पिछली सरकार में जो गड़बड़ी हुई, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और आज मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि पीएससी के घोटाला को हम लोग सीबीआई को सौंप चुके हैं, अब कोई भी दोषीदार उसमें बचेगा नहीं, सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होगी। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात हुई थी, इस साल बम्फर धान की खरीदी हुई है, 147 लाख मीट्रिक टन धान, अभी तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी, 147 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुके हैं 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। और 3100 रुपये देने की बात हुई है, जो समर्थन मूल्य है किसानों को मिल चुका है और जो अंतर की राशि है, अभी लोकसभा चुनाव घोषणा के पहले एक मुश्त 24 लाख से ज्यादा किसान धान बेचे हैं, ऐसे 24 लाख से ज्यादा किसानों के खाता में 13 हजार करोड़ रुपया भेजने का काम अभी हम लोग 1 सप्ताह के अंदर करने वाले हैं। महतारी बंधन योजना की बात हुई थी कि जो भी विवाहित हमारी माताएं हैं बहनें हैं उनको साल का 12000
उनको देंगे। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 72 लाख से ज्यादा फार्म भराया गया और उसमें स्क्रूटनी हुई, जांच हुआ, तो आज 72,14,000 मतलब फार्म वैध पाया गया है, वैध। और अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है, हम लोग उससे पहले हम लोग ऐसे 72,14,000 हमारी विवाहित माता बहनों के खाता में 1 महीना का 1 किस्त महतारी बंधन योजना का भेजने वाले हैं। इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। और इसके बाद बराबर आप लोगों के खाते में महतारी बंधन योजना का पैसा जाता रहेगा। ये सब एरिया तेंदुपत्ता का एरिया है। अब गर्मी आ गई है, तेंदुपत्ता खरीदी का समय आ जाएगा, तोड़ाई का समय आ जाएगा। हम लोग कैबिनेट में निर्णय ले लिए हैं कि इस साल 15 दिन तेंदुपत्ता की खरीदी होगी और 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता की खरीदी होगी। और जो पुरानी व्यवस्था थी, चरण पादुका योजना, बच्चों को स्कॉलरशिप की योजना, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था फिर से चालू होगी तेंदुपत्ता के क्षेत्र में। तो ये हम लोग कैबिनेट में निर्णय ले चुके हैं। और बाकी जो भी वादा है, गैस सिलेंडर देने का काम, हमारे भूमिहीन लोगों को 10,000 रुपया साल में देने का काम, ये सारा काम हम लोग करने वाले हैं। और नौकरियों में भर्ती, ये सब काम आने वाले समय में मोदी की गारंटी में जो भी एक एक वादा है भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से, उसको सबको पूरा करने वाले हैं। और आज हम इस बात का भी आप लोगों को बधाई देना चाहेंगे कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम विराज चुके हैं। आप सब लोग भी, कुछ लोग गए भी होंगे, कुछ लोग टीवी वगैरह में वहां का लाइव प्रकाशन भी देखे होंगे। और हम लोग का सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का, ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है और इस नाते भगवान राम हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के भांजा हुए। तो 500 साल संघर्ष के बाद, लाखों हिंदुओं की कुर्बानी के बाद, जब हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री बने, तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हुआ और राम मंदिर में हमारे भांजा श्री राम उसमें विराजे भी। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि मोदी की गारंटी में हम लोग रामलला दर्शन योजना भी शुरू किए हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को सरकारी पैसे में अयोध्या ले जाया जाएगा और भगवान राम का दर्शन करा के लाया जाएगा। अभी 3-4 ट्रेन भेज चुके हैं छत्तीसगढ़ से। अभी 6 तारीख को अंबिकापुर से ट्रेन जाने वाला है। एक बार में 1,300-1,350 व्यक्ति आते हैं एक ट्रेन में। और अब लगातार रामलला दर्शन योजना में छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या ले जाया जाएगा। तो इस तरह से सब काम छत्तीसगढ़ में होगा। और जितने भी जो भ्रष्टाचार हुए हैं पिछले दिनों में, सबकी जांच होगी। बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, कोयला में भ्रष्टाचार हुआ है, शराब में भ्रष्टाचार हुआ है, डीएमएफ की राशि में भ्रष्टाचार हुआ है, ये अनाज के वितरण में हुआ है, महादेव एप में बड़े बड़े लोगों का नाम है, सब में FIR हो रहा है और सब अंदर जा रहे हैं। कई लोग 6-6 महीना 7-7 भर से जेल में है, उनका बेल भी नहीं हो रहा है। तो पूरा पिछले समय में जो भी भ्रष्टाचारी रहे, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई बचने वाले नहीं है। सबके ऊपर जांच हो रही है और जो भी दोषीदार होंगे उनको जेल में भेजने का काम हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। आज हम लोग को एक दो कार्यक्रम में और भी जाना है, यहां से जसपुर भी जाना है। वहां पर आज
स्वर्गीय शत्रुंजय प्रताप सिंह जुदेव की स्मृति में जो रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता होता है उसका भी समापन कार्यक्रम है, उसमें भी जाना है। एक और कार्यक्रम है, आज तामामुड़ा में भी ये कार्यक्रम हुआ और 30 साल से भी लंबा राजनीतिक जीवन में कई जगह हम लोगों को सिक्का से भी तोले, लड्डू से भी तोले, केला से भी तोले, कहीं धान से भी तोले तो कहीं और कई चीजों से तोले, लेकिन आज पहली बार यादव लोग शुद्ध घी से तोले हैं। तामामुड़ा में शुद्ध घी से, मतलब पूरा बड़ा सा बर्तन में पूरा इतना अच्छा खुशबू।